बस अब चुप हो जा, रोते नहीं ऐसे, चुप। मैंने ऐसा क्या कह दिया था माँ, जो जो चाची ने खाना ही फेंक दिया। विद्या, इंसान जब गुस्से में होता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, और फिर उस बेचारी पर दुख भी तो इतना बड़ा आया है। बेटा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, तुमने सुना नहीं क्या क्या बोल रही थी वो। आप कौन मर गया? मैं पानी ले आती। जो मैंने पूछा पहले उसका जवाब दे। क्या नाटक चल रहा है इस घर में? को भवन क्यों बना रखा है इस घर को? क्या हुआ था? वो कांता चाची ने माँ को। साफ साफ बोल। मैं बताती हूँ। वो विद्या कांता के लिए खाना लेकर गई थी। तुम सब खूनी हो, तुम सबने मिल के मारा मेरे प्रवीण का। दिमाग खराब हो गया उस औरत का। प्रवीण की मौत का सदमा नहीं झेल पा रही है। चवन्नी की लुगाई हमें धमकी देने आई। आज के बाद उसके कमरे में उसके पास कोई नहीं जाएगा, समझ गए? कौन है बे? मालिक, मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गए? मुंशी, गलत वक्त नहीं, तू इस दुनिया में ही गलत समय में पैदा हुआ है। बोल, क्या पक रहा था? आपसे जरूरी बात करनी है। तो बक। वकील का फोन आया था, कल जेल जाना है आपको। वकील का फोन आया था, कल जेल जाना है आपको। जवाब पकड़ा बे। मेरा मतलब वो नहीं था, कल आपको जेल जाना है और बड़े साहब से मिलने। अभिमन्यु ऐसा नहीं कर सकते बहन जी, वो तो कह रहे थे कि अब सब ठीक हो गया है, वो किसी का खून नहीं कर सकते बहन जी। कमला, ये बात हम सब समझते हैं, लेकिन पुलिस ये बात नहीं समझती। Actually, I don't understand. अभिमन्यु पुलिस को सरेंडर क्यों नहीं कर देता? ऐसे वो पुलिस से भागता रहेगा तो पुलिस का शक यकीन बदल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा ये चक्कर है क्या। अभिमन्यु पुलिस से नहीं छुप रहा, जरूर कोई और बात है। Of course, वरना जैसे कमला ने बताया, अभी तो anyway सरेंडर करने वाला था, फिर वो पुलिस से क्यों भागेगा? I'm sure इस सब के पीछे उस बड़े साहब का हाथ है। ऊपर से आजकल उसका एक नया पागलपन शुरू हो गया, कभी कहता है मैं महेंद्र हूं, कभी कहता है मैं गजेंद्र। लड़ी लायर। सिद्ध, सच कमजोर भले ही पड़ जाए, झूठ के सामने घुटने नहीं टेक सकता। सच ही जीतता है और सच ही जीतेगा, तुम देखना। अरे शबनम, कैसी हो? और ये क्या बात हुई, बच्ची को इमरान भाई के पास छोड़ आई? क्या हुआ शबनम, सब ठीक है? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। लगता है बहन जी कि मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी है। पर शब्बो, हुआ क्या है?
मैं और इमरान खुशी खुशी शहर जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी डाकिया आया। ये चिट्ठी आई है एक आपकी। सरकारी चिट्ठी थी। कागजी कार्रवाई पूरी ना होने के कारण आपका आवेदन स्थगित किया जाता है। चंद कागज जिंदगी को एक पल में गमगीन बना सकते हैं। पता नहीं था बहन जी। शबनम, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तुम तो जानती हो ना, सरकारी कामों में ऐसे थोड़ी देर हो जाती है। Exactly, शबनम। देखो तुम टेंशन मत लो, जो पेपर्स मिसिंग हैं उनका इंतजाम हो जाएगा। बस हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। That's it. तू चिंता मत कर शबू, हर मुश्किल का हल होता है। देखना सब ठीक हो जाएगा। वो बहन जी, प्रवीण बाबू के बारे में सुना, क्या सच में अभी बाबू ने? शब्बू, तुझे क्या लगता है, क्या अभिमन्यु ऐसा कर सकते हैं? नहीं कमला, मैं नहीं मानती। मानता तो हम सब में से भी कोई नहीं है शबनम, लेकिन अब करे भी तो क्या। ये वक्त ऐसे रोने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि हमारी जिंदगी की इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकला जाए। अम्मा, अम्मा पानी। अरे बेटा, अरे बहुत, तू क्यों ले आई? मैं यहाँ ले लेती ना अपने आप। नहीं अम्मा, नर्स बहन जी ने आपको आराम करने के लिए बोला है। अरे तेरे आराम करने के दिन है और उल्टे मैं ही बीमार पड़ गई। अम्मा मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। दुख है तो सुख भी है, है आंसू किलकारी भी है। हिम्मत ना हारना, हम साथ हैं आपके, मन वचन और दिलो जान से। बस खत लिखते रहना, और जो ये खत आपका हुआ हर खत से जुदा, तो हम सबको बताएंगे, पढ़ के इसे हम सबको सुनाएंगे। आपकी हर बात का हमें मान है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। मंगत, तुम हमको ये कहाँ ले आए? मंगत, आपका परिचय कौन है? ये तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। चलो मंगत भैया, चलो 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 यहाँ से चलो। Where am I?